एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एक ही ब्यूटी अफेयर। और आज हम करने वाले हैं ये कॉन्टोर कैसे करती हूँ मैं, कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर एंड कॉन्टोर को कैसे प्रॉपरली पाउडर के साथ हाईलाइट किया जा सकता है, प्रॉपर कट्स दिए जा सकते हैं, वो सब आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में गाइज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज आपने फास्ट फॉरवर्ड वाला देख लिया कि मैंने बेस कैसे करती हूँ। अगर नहीं चेक किया हो तो आपको एग्जैक्ट बेस कैसे करती हूँ वो आप मेरे हैशटैग मेकअप बेस सीरीज जाके जरूर चेक कीजिए। अभी मैं मूव करते हैं कॉन्ट्रोल की तरफ। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं और फिर भी आपको क्रीम कॉन्ट्रोल करना है, क्रीम कॉन्ट्रोल गिव्स यू अ बेटर कट लुक, चिजल लुक देन पाउडर कॉन्ट्रोल। मैं ये नहीं बोल रही पाउडर कॉन्ट्रोल नहीं देता, पाउडर कॉन्ट्रोल भी देता है इक्वली, बट क्रीम कॉन्ट्रोल गिव्स अ डिफाइंड लुक मच बेटर। अभी अगर आपको क्रीम कॉन्ट्रोल करना है डायरेक्टली, तो अगर बिगिनर हो और फिर भी करना है तो गो फॉर स्टिक्स लाइक दिस रादर देन गोइंग फॉर द क्रीम पैलेट जो आते हैं वो, बिकॉज स्टिक्स गिव यू अ गुड होल्ड, आपको अच्छा होल्ड मिलेगा। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ कॉन्ट्रोल यूजुअली कहाँ से करते हैं। पहली बात तो कॉन्ट्रोल क्यों करते हैं, कॉन्ट्रोल यानी कि अगर आप देख सकते मेरा फेस कैसे लग रहा है, लेकिन चब्बी है तो उसको मुझे कट करना है, मतलब मुझे अच्छा उसको फीचर लाना है। और लाइक यू नो तो ये शेड में अगर आप देख सकते ये शेड थोड़ा सा ना शो यू ऑन हैंड वॉच दैट्स नॉट ब्राउन एग्जैक्टली ब्राउन डार्क ब्राउन टाइप, इट इज हैविंग अ लाइट यू नो मतलब थोड़ा ग्रेइश ब्राउन है ये, बिकॉज दैट विल गिव यू अ शैडो, यानी कि आपका ये चीक्स का शैडो गिरता है, यू हैव टू शो अ शैडो, दैट्स व्हाई वी यूज दिस विच गिव्स यू लाइक यू नो क्या बोल सकती हूँ मैं उसको आपको मैजिक में कैसे क्या बोलते हैं वो वर्ड आई डू नॉट गेटिंग राइट नाउ, बट वो क्रिएट होता है और उसकी वजह से ऐसे लगता है कि आपको वो लाइक यू नो आपकी गाल या नोज है या चिन एरिया विच यू कॉन्टोर लुक्स चिजल कट लगता है प्रॉपर लाइक यू नो पतला लगता है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट हाउ टू डू कॉन्टोर। NYBK की कॉन्टोर स्टिक यूज कर रही हूँ विच इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली आई कैन से। पहली बार तो फिश फेस कर लीजिए और ये कान का जो एरिया है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको करना है, ये यहाँ तक दिस पार्ट हियर दैट्स इट। आई डोंट इवन ब्रिंग इन ज्यादा फ्रंट में लाती भी नहीं मैं बिकॉज वो ब्लेंड से हो जाता है अच्छे से। नोज के लिए भी देखिए यू नो अगर आपको एकदम पतला नोज चाहिए ना तो थोड़ा सा गैप जो है नोज में ये एरिया कम लेके आइएगा दिस वे और ये नीचे की तरफ ब्लेंड होगा। ओके और इस पे मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ। अभी फोरहेड पे भी जाएगा, जिसका फोरहेड बड़ा है वही ज्यादा करके कॉन्ट्रोल करता है, मेरा भी दिखता है सो आई जनरली कॉन्ट्रोल। और पतला पतला कर रही हूँ, देखिए बिगिनर्स हो तो प्लीज आप बहुत कम प्रोडक्ट लेके कीजिएगा गाइस, अदरवाइज आपका फेस जो है पूरा ब्राउन ब्राउन कर देंगे। सीधा ओके सो इट्स लाइक अ थ्री, ऐसे थ्री बनता है। सो नाउ लेट्स क्विकली ब्लेंड दिस। कॉन्ट्रोल ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, ब्रश से आपको इजी कॉन्ट्रोल आप ब्लेंड कर सकते हो। और हमेशा कॉन्ट्रोल को ये ऐसे ऊपर वाला शेप जो रहता है ये ऊपर अंदर की तरफ जाएगा एंड यू नो जस्ट देखिए मैं सिर्फ हल्का हल्का ऊपर की तरफ ये कर रही हूँ और ये अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। This will go down. Again, this will go the same way up. Can you see how I'm blending? अगर क्रीम कॉन्ट्रोल होता है ना तो जनरली आई ब्लेंड दैट विद द हेल्प ऑफ फिंगर या तो आप वो स्टिपलिंग ब्रश यूज कर सकते हैं, यानी कि नहीं वो थोड़ा सा
स्मजर ब्रश कैसा रहता है वैसे, नोज के लिए परफेक्ट है। और ये हमेशा आपके ब्राउ आईब्रो पे टच होना चाहिए। सो कैन यू सी, लुक एट माई नोज राइट नाउ, सच ए ह्यूज डिफरेंस इट मेक्स राइट नाउ। आफ्टर डूइंग दिस आपको ये कट एग्जैक्ट लाइक यू नो शार्प कट लेके आना है। टेक एनी लूज पाउडर विच यू हैव, ऐसे ट्रे में आप उसी के ढक्कन में निकाल लीजिए। यूज इधर अ पफ और लाइक यू नो एनी ब्रश, बट आई एम यूजिंग अ पफ। जहां से कॉन्टर किया है ना उसके नीचे क्लाइन बना लीजिए ऐसे, और उसके अंदर ऐसे पाउडर को भर दीजिए। सेम विल डू यर। थोड़ी देर रहने दीजिए, ओके। टिल द टाइम दिस इज गेटिंग सेट, हम हमारे क्रीम कॉन्ट्रोल को सेट करेंगे यूजिंग अ पाउडर कॉन्ट्रोल, विच यू नो आई ऑलवेज डू। अभी हम उसके लिए, अगर आपको वही ब्रश है तो वो ले सकते हैं, मैं मेरा फेवरेट ब्रश ले रही हूँ, और ये क्रीम कॉन्ट्रोल ले रही हूँ शुगर का, सॉरी पाउडर कॉन्ट्रोल। डस्ट करेंगे एक्सेस को, हल्के हाथ से सिर्फ उसको, can you see that again, ये ब्लश की, ब्लश में लिक्विड ब्लश आता है, मैट ब्लश आता है, शिमर ब्लशेस आते हैं। सो देखिए मेरे पास, एज यू नो मेरे पास लिक्विड ब्लश नहीं है, सो आई हैव दिस, दीज आर मैट ब्लशेस, और एक ऐसे प्रकार का सिंगल ब्लश भी है, और ये जो है हाफ एंड हाफ का हाईलाइटर पैलेट, इसके अंदर मेरे पास शिमर ब्लशेस है, मतलब यानी कि टू इन वन का काम करता है ये। तो अगर आपको हाईलाइटर स्किप करना है तो आप ये जा सकते हो इससे भी, और अगर आपको मैट ब्लश लगाना है तो आप मैट ब्लश लगा सकते हो, विच ऑफ वे। सो आज मैं आपको मैट ब्लश लगाना दिखाऊंगी, और अगेन ब्लश भी गाइस आपके फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से करना होता है, लाइक यू नो दीज आर योर एप्पल्स इन योर स्माइल विच कम्स इन फ्रंट, सो यहाँ से यहाँ पर भी लगाना होता है, यहाँ से यहाँ पर भी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फेस स्ट्रक्चर। इवन कॉन्टोरिंग भी गाइस आपके फेस का जो स्ट्रक्चर है, ओवल शेप, जो भी शेप है उसके हिसाब से कॉन्टोर होता है, गॉट इट। अब ये जो मैंने आपको दिखा है ये बेसिक कॉन्टोर है, लाइक यू नो कहाँ से क्या करना है क्या नहीं, लॉट ऑफ पीपल डू ऑन द लिप्स ऑल्सो, लिप कॉन्टोरिंग ऑल ऑफ दैट। अब मैं ब्लश आपको दिखाती हूँ मेरे फेस के हिसाब से, यानी कि जनरल ब्राउन फेस पे कैसे लगाते हैं। यू हैव टू टेक अ ब्लश पैलेट या एनी ब्लश यू वॉन्ट, लिक्विड ब्लश इज वेरी इजी टू अप्लाई, यू हैव सीन मी अप्लाइंग मेनी टाइम्स। और आज हम अप्लाई करते हैं, लेट्स से साइडर शेड लेते हैं, ये मेरा ब्लश ब्रश है, उसमें डिप कर रही हूँ, टैप ऑफ करेंगे एक्सेस को और स्माइल करेंगे। अभी मैंने जो रिक्रिएट किए लुक को यहाँ से यहाँ पे लगाए एक्सेस में, और मैं जनरली यहाँ से लगाती हूँ बिकॉज आई वांट माय व्हेन आई स्माइल यू नो टू लुक लिटिल पिंक हियर। यू जस्ट फर्स्ट पैट ऑन योर फेस स्लोली एंड देन लिफ्ट इट अप। Always smile and apply blush, guys. After blush comes highlighter. Highlighter के लिए मैं आज ये palette use कर रही हूँ। आप कोई भी highlighter आपके पास है वो ले सकते हैं। मैं आज ये ले रही हूँ और इसमें से like you know आज apply करेंगे guys. I think let's go for two for this shade. ये you know ये वाला थोड़ा blush type ही है, लेकिन देखते हैं सिर्फ cheeks पे लगा लेंगे पहले। और आज मैं blush, highlighter के लिए ये थोड़ा सा लाइक यू नो फैला हुआ ब्रश यूज कर रही हूँ, स्लाइटली ओपन ब्रश है, पाउडर ब्रश काइंड ऑफ। एंड इसको अच्छे से लगाएंगे।
इस आई मेकअप और लिपस्टिक लगा के ऐसा मेरा बेस लग रहा है और ये कॉन्टोर ऐसे लग रहा है गाइज। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्टोरिंग टेक्निक जो मैंने बताई है वो आपको हेल्पफुल हो और आप ज़रूर करें, आप सीखें, बिकॉज वैसे भी लॉकडाउन है, आप सीखोगे यू नो घर बैठे, तो इट विल रियली हेल्प यू लाइक यू नो आई मीन प्रोफेशनलाइज योर स्किल्स। सो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो गाइज, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए गाइज। एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय।